पहली बात आपका स्वागत है इंडिया पेज थ्री में. थैंक यू. आपके यहाँ यूएसपी क्या है जो आपके यहाँ इतना लंबा क्राउड है? हम और भी एस्ट्रो में गए, और भी बार में गए, और भी पब में गए, मगर सबसे ज़्यादा क्राउड आपके यहाँ पे देखने मिल रहा है, ऐसा क्या है आपके पास? मुझे ये लगता है कि जिस तरह हमने बनाया है मॉलिक्यूल, बड़े ही ध्यान से बनाया है, लोगों की पसंद को ध्यान में रखते हुए बनाया है. और मैं ये कहूँगा कि हम लोग एक यूनिक आइडियाज़ के साथ आते रहते हैं, नए नए आइडियाज़ आते रहते हैं कि कैसे हम क्राउड को ला सकते हैं. हम अपने मतलब उसमें नहीं बैठते कि यार चलो क्राउड आ रहा है, अगले महीने भी आएगा, अगले महीने भी आएगा. हम प्लानिंग में रहते हैं कि कई, जैसे यार लेडीज़ नाइट है यहाँ पे, तो लेडीज़ नाइट कर रहे हैं, इनोवेटिव कॉकटेल्स देते हैं लेडीज़ को कॉम्प्लीमेंट्री, बहुत चीज़ें ऐसी नई नई चीज़ें करते रहते हैं हम लोग. आप क्या यूएसपी अगर एक जानी जाए औरों के मुकाबले में, अगर आपका कंपेयर किया जाए तो क्या यूएसपी? मैं कहूँगा कि हमारी जो यूनिक कॉकटेल्स, फूड मेन्यू और म्यूज़िक, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों को दोबारा वहाँ पे लाती हैं. अच्छा, आपकी भीड़ को देख के ऐसा नहीं लग रहा कि जीएसटी से कुछ ज़्यादा फर्क पड़ा है आपको? जीएसटी से फर्क लोगों के आने पे नहीं पड़ा है, लेकिन जो हमें इनपुट पहले मिलता था अब वो नहीं मिलता, तो एक तरह से हमारी कॉस्टिंग जो है वो काफ़ी ऊपर चली गई है. बट ये है कि लोगों के लिए खाना, बाहर खाना सस्ता हो गया है. 18% पहले टैक्स था, उसको 5% कर दिया गवर्नमेंट ने, तो एक तरह से वो अच्छा किया कि लोगों के लिए और अफोर्डेबल हो गया, और आना मतलब रेस्टोरेंट में आना और उड़ाना और ईजी हो गया उनके लिए. थैंक यू साहिल. थैंक यू.